Hey guys, welcome to my channel. This is Fashion with Chetna. और ये जो दिवाली मेकअप का सेकेंड पार्ट है, इस पार्ट के अंदर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक फुल कुर्ता ड्रेस और उसी के साथ में उसका मैचिंग का मेकअप आपको शो करूँगी. तो चलिए मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बनी रहिए. और वीडियो में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आप मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और मेकअप ट्यूटोरियल्स जो हैं वो देख सकते हैं. सो गाइज, स्टार्ट करते हैं मेरे वीडियो के साथ में कि ये मेरी जो फुल ड्रेस है वो कैसी है और इसके साथ में मैंने कैसा मेकअप किया है. ये जो मेरी ड्रेस है वो लिबास ब्रांड की है. इसकी 3/4 स्लीव्स हैं और बॉटम में जो है वो शरारा पैंट है, आप देख सकते हैं. और बॉटम एंड 3/4 स्लीव्स पर गोल्डन पाइपिंग वर्क है. सेम वर्क जो है वो दुपट्टे पे भी है. और इस ड्रेस का जो मटेरियल है वो विस्कस रेयन है, जो कि बहुत अच्छा मटेरियल है. और ये पूरी ड्रेस जो है वो हैंड वॉश ड्रेस है. और इसका दुपट्टा जो है वो पॉलिस्टर शिफॉन है. ये बहुत अच्छी ड्रेस है और अभी ट्रेंडी भी है. और आप देख सकते हैं ये पहनने के बाद कितना अच्छा लुक दे रही है. ये शॉर्ट कुर्ता पैटर्न डिज़ाइन है इसका, बहुत सुंदर लुक दे रहा है. मैं इस ड्रेस का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग भी जो है मिंत्रा से इसे. अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना मेकअप. मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है. अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बायोटिक मॉइस्चराइज़र. ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, आप मेरे हर मेकअप ट्यूटोरियल में इसे देखते हैं. ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है. अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ निव्या लिप बाम. अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी. उसके बाद में मैं यूज़ करूँगी स्टेक कुर्की का. एज़ यूजल मेरा फेवरेट प्राइमर है ये. मैं इसे अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी. और ये जो प्राइमर है वो बहुत लाइट वेट प्राइमर है. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स बीबी क्रीम. इसे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पर अप्लाई कर लूँगी. देन उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जो है इसे डैप करते हुए अपने फेस पर अच्छे से सेट कर लूँगी. ये बीबी क्रीम जो है बहुत अफोर्डेबल बीबी क्रीम है और बहुत अच्छा लुक देती है. इसमें एक ही शेड आता है जो सभी स्किन वालों को सूट हो जाती है अच्छे से. बीबी क्रीम अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी लैक्मे एब्सोल्यूट कंसीलर. मैं इन सारे प्रोडक्ट के लिंक और शेड जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से परचेस कर सकते हैं. मैं अपने आईज़ के अंडर आई एरिया पे, ब्लैक स्पॉट एरिया पे और जहाँ पे भी मुझे हाइलाइटिंग करनी है अपने फेस की, वहाँ पर इस कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी. ये मैट कंसीलर है. उसके बाद सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसे डैप करते हुए अपने फेस पर अच्छे से सेट होने दूंगी. कंसीलर अप्लाई करने के बाद में मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी लैक्मे एब्सोल्यूट पैलेट और उसमें से मैं लाइट पिंक कलर लूँगी और अपनी आईज़ की आईलिड पर इस कलर को जो है सर्कुलर मोशन में अप्लाई करते हुए इसे अच्छे से सेट कर लूँगी. इसे अपनी दोनों आईज़ पर अप्लाई कर लूँगी ब्रश की हेल्प से. मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फ्लफ़ी ब्रश. ये आई शेडो पैलेट जो है बहुत अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट है और फेस्टिवल सीजन लुक के लिए और फंक्शनल लुक के लिए ये पैलेट बहुत अच्छा पैलेट है. इससे आप हर तरह का मेकअप कर सकते हैं. अब मैं पिक कर रही हूँ ब्राउन कलर और अपनी आईज़ की क्रीज पर इस कलर को सेट कर लूँगी और अच्छे से मिक्स करते हुए अपनी पूरी आईलिड और आईज़ क्रीज पर आई शेडो को अच्छे से सेट कर लूँगी. आई शेडो अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल सिल्की सिम आई लाइनर. ये ब्लैक आई लाइनर है. मैं इसे अपनी आईज़ की अपर लैश लाइन पर अप्लाई कर लूँगी. इससे बोल्ड आई लाइनर अप्लाई होता है इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और एक तरह का मैट फिनिश लुक देता है ये. बहुत स्मूथ है इसका टेक्स्चर, अप्लाई करने में बहुत ईजी होता है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत हार्ड पेंसिल चलती है, बहुत स्मूथ है. आईलाइनर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एमवे काजल और इसे अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर लूँगी.
उसके बाद में मैं एक स्मजर की हेल्प से स्मज करते हुए अपनी दोनों आईज पर इस काजल को सेट कर लूँगी, ताकि अप्लाई करने के बाद में जो काजल है वो स्प्रेड नहीं होए और अच्छे से सेट हो जाए आईज पर। काजल अप्लाई करने के बाद में मैं यूज़ करूँगी लैक्मे आइकॉनिक मस्कारा और इसे मैं अपनी आईज़ की लैश पर सेट कर लूँगी। ये हाई वॉल्यूम मस्कारा नहीं है, एकदम नॉट न्यूट्रल मस्कारा है ये। मस्कारा अप्लाई करने के बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल, ये पॉप फिल की आईब्रो पेंसिल है। इसमें जो मेरा शेड है वो ब्राउन कलर है, एकदम नेचुरल आईब्रो लुक देता है। इसे अप्लाई करने के बाद में इसके बैग में जो पूली ब्रश है उससे मैं जो है आईब्रो को अच्छे से सेट कर लूंगी। आईब्रो सेट करने के बाद में मैं यूज कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, लॉरियल मैट मैजिक कॉम्पैक्ट पाउडर। इसमें जो मेरा शेड है वो G2 है। इसे अप्लाई कर लूंगी अपने फेस पर। कॉम्पैक्ट अप्लाई करने के बाद में मैं सेम आई शेडो पैलेट से लाइट ब्राउन कलर पिक करते हुए आज मैं आई शेडो की हेल्प से कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे एक स्लिम कॉन्टोर ब्रश ले रही हूँ और अपनी जो लाइन पर और चीक बोन के नीचे जो है आई शेडो अप्लाई कर लूँगी। बहुत डार्क दिख रहा है, लेकिन मैं इसे मोटे वाले कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करके सेट कर लूँगी अपनी स्किन पर। ये मैंने फेस की कॉन्टोरिंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं यूज़ करूँगी ब्लश। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन ब्लश। एक फ्लफी ब्लश ब्रश की हेल्प से जो है मैं अपने फेस पर ब्लश अप्लाई कर लूँगी। ब्लश कंप्लीट करने के बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ नाइका 2K ग्लैम हाइलाइटर और एक फैन ब्रश की हेल्प से नोज एंड फोरहेड पर जो है हाइलाइटिंग कर लूंगी। अपने चीक बोन को भी हाईलाइट कर लूंगी सेम पैलेट की हेल्प से। फेस की हाइलाइटिंग कंप्लीट करने के बाद में मैं सेम आई शेडो पैलेट से जो है नोज़ की कॉन्टोरिंग करूँगी। बहुत लाइट हैंड से मैं फेस नोज़ की कॉन्टोरिंग करूँगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक के लिए पिंक प्लश लैक्मे 925 मैट मूज लेस लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा लाइट पीची पिंक कलर है। इसे एप्लीकेटर की हेल्प से मैं अपने लिप्स पर अप्लाई कर लूँगी। ये देखिए मैंने लिपस्टिक जो है अपने लिप्स पर अप्लाई कर ली है। अब मैं यूज़ करूँगी फेसेस अल्ट्रा प्रो मेकअप सेटिंग स्प्रे। ये बहुत अच्छा सेटिंग स्प्रे है, इसे मैं मेकअप को सेट कर लूँगी बहुत अच्छे से। गाइस दिस इज माय फाइनल लुक। आप देख सकते हैं मैंने ये जो मेकअप है बहुत इजी और क्विक किया है। अगर आपको भी ऐसा मेकअप रेडी करना है तो आप भी अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ में ये मेकअप जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मेरे वीडियो देख सकते हो और फेसबुक से भी मेरे वीडियो का लिंक जो है वो देख सकते हो। और थैंक यू गाइज, बाय बाय।